सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर अब केंद्रीय मंत्री ही प्रदेश के मुख्यमंत्री की जनसभा में एक भी इंच काम न होने और अधिकारियों द्वारा सरकार की ना सुनने की बात कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने ये बातें कहकर कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को सही साबित कर दिया है। ये बात पूर्व मंत्री जेएस बाली ने कांगड़ा में प्रेस वार्ता के दौरान कही। बाली ने कहा कि कांग्रेस तो पहले से कहती आ रही है कि कांगड़ा उनाब हमीरपुर जिला में भाजपा सरकार में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया है। रेलवे लाइन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल हाईवे के काम बंद पड़े हैं। नेशनल हाईवे को लेकर मंत्री ने आदेश दिए हैं कि हो सकता है कि शायद कांगड़ा से ज्वालामुखी तक बन जाए। बाली ने आरोप लगाया है कि सीएम द्वारा जो काम पूर्व सरकार द्वारा किए गए, जो उनकी प्राथमिकताएं रही हैं, उनके उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, जिनके लिए पैसा पहले से पड़ा है, ये अच्छी प्रथा नहीं है। इस बारे में कांग्रेस ने डीसी कांगड़ा और सीएम कार्यालय के अधिकारियों को स्मे रहते सूचित कर दिया था। बाली ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज, आर्किटेक्चर कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज और आईटीआई का एक एक बैच निकल चुका है। बाली ने कहा कि जो काम पिछले 4 साल से चले आ रहे हैं, उनके दोबारा शिलान्यास करना सही बात नहीं है। बाली ने कहा कि लोकल लेवल पर कोई गलती करता है तो सीएम को यह बात देखनी चाहिए, क्योंकि सारा मंत्र उनके पास मौजूद है। बाली ने कहा कि नगरोटा बागमा में जिन योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए गए, उनके लिए कितना बजट प्रावधान किया गया है, सीएम को इसके बारे में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। बाली ने कहा कि उनके जो भी सवाल उठाए हैं, उम्मीद है सीएम उन्हें चेक करेंगे और देखेंगे कि स्थानीय विधायक और अधिकारियों ने उनसे क्या गलत करवाया है। पूर्ण वो है, हमने दो चीजें कही हैं कि जो हम कहते थे उसको बीजेपी के अपने मंत्री ने माननीय मुख्यमंत्री की सभा में ये कह करके कि एक इंची भी काम सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे नहीं हुआ, अधिकारी जो है वो सरकार की सुन नहीं रहे, ये दो चीज़ें बोल करके उन्होंने हमारे जो एलिगेशन था कि हम जो बार बार कह रहे थे कि कांगड़ा जो मस्ज एरिया है, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, इनमें कोई भी काम बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया है, जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वो भी बंद हो गया, चाहे वो रेलवे लाइन का था, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का था, चाहे नेशनल हाईवे के थे, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। ये नेशनल हाईवे मैं इतनी बार बोल चुका हूँ, अब शायद इस पे मंत्री जी ने कुछ आदेश दिए हैं, ये ज्वाला जी तक, कांगड़ा से ज्वाला जी शायद बन जाए, तो वो भी बहुत सारा हमें एजिटेशन करने के बाद। मगर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी जो काम हुए हुए हमारे पुराने, जो हमारी प्रैक्टिस स्कीम थी, उनका उद्घाटन और फाउंडेशन स्टोन कर रहे हैं, जिनके लिए पैसा पहले से पड़ा हुआ है, वो एक अच्छी प्रथा नहीं है। और हमने इस चीज़ का डीसी साहब को, मुख्यमंत्री जी के ऑफिस के अधिकारियों को हमने समय रहते इन्फॉर्म कर दिया था कि ये जो आपकी लिस्ट आई है, इसमें से एक एक बैच ऑलरेडी निकल गया हुआ, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज का हो, चाहे आर्किटेक्चर कॉलेज का हो, चाहे फार्मेसी कॉलेज का हो, चाहे आईटीआई का हो, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। उनको बार बार करने का स्कीम है बालू गुड़ोवा की, वो ये 16 में मैंने फाउंडेशन स्टोन रख दिया, अब उसके लिए पैसा प्रावधान कर दिया, मेरी प्रायोरिटी में है, आप उसको अब आके फिर फाउंडेशन स्टोन 4 साल चलने के बाद कर रहे हो, वो बात ठीक नहीं है। कृपा करके हमें बताएं स्कीम वाइज आपकी सरकार आने के बाद कितने कितने पैसे का आपने प्रावधान किया है, हमने कितने कितने पैसे का अपने टाइम पे प्रावधान किया। आपके पास सारी मशीनरी है और आप सारी चीज़ को देख करके इस चीज़ को पब्लिक को बता सकते हैं, और एक वाइट पेपर उसके ऊपर हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री निकाले, कम से कम अगर लोकल लेवल पे एमएलए या कोई अधिकारी गलती करता है तो उसको सारा तंत्र मुख्यमंत्री जी के पास है, उनको पूरे कागज देखना चाहिए। इससे पहले जब आए थे तब भी वो गलत जो मेरी ऑलरेडी इनॉग्रेट हो चुकी थी स्कीमें, उनके ऊपर फाउंडेशन स्टोन रख के चले गए, वो ठीक बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी जो ये किया है उसको ठीक करेंगे, और कम से कम अपने पास में ला के अपने आंकड़े देखेंगे कि वे क्या उनके को किन अधिकारियों ने उनसे गलत कराया।